नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रत्याशा मिश्रा, आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। और मैं लेकर के आती हूं आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर हिंदी लिटरेचर, जो कि आप यूपीपीसीएस मेंस का पेपर होने वाला है उसके लिए, या फिर यूपीएससी कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, इन सब के सिलेबस को मिला करके एक कम्बाइंड एक ये वीडियो सीरीज़ मैं लेकर के आती हूँ, जिसमें कि आपको जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिसमें कि आपको हिंदी लिटरेचर की ज़रूरत है या हिंदी लिटरेचर आपने ऑप्शनल पेपर के तौर पर चुना हुआ है, तो उसके लिए इसमें सभी के सिलेबस को मिला जुला एक लेक्चर सीरीज़ ये मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए। और इस अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो उसको प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, जितना ज़्यादा लाइक होता है हम लोग को मोटिवेशन उतना ज़्यादा मिलता है। ये हम लोग का टेलीग्राम नंबर है, इस पर आपको PDFs मिल जाएंगी, वीडियोस फ्री होती हैं हमारी। और अगर भी कोई और क्वेरी है तो इस नंबर पर आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारी आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं हम रीतिकाल पर। रीतिकाल के विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी इसके नामकरण को लेकर के लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीतिकाल की परिस्थितियाँ या उसकी पृष्ठभूमि पर। इसको देखिए क्या है कि रीतकालीन साहित्य में के अध्ययन में ये बात अवश्य है कि इस साहित्य के 200-250 वर्षों की दीर्घ अवधि में देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था में अनेक उतार चढ़ाव आए, और इससे क्या हुआ कि एक वर्ग विशेष की अभिरुचि के द्वारा ये सारी जितना भी लिटरेचर था हमारा और जो कला थी हमारी, वो क्या होने लगी कि वो उसके द्वारा कंट्रोल या नियमित होने लगी। और इसने क्या किया कि इसने हमारे साहित्य को, चूँकि एक वर्ग विशेष के द्वारा हमारा समाज कंट्रोल हो रहा था या नियमित हो रहा था, तो इसने इसका प्रभाव हमारे साहित्य पर और कला पर बहुत ज़्यादा पड़ा, और इससे कि हमारा साहित्य और कला एक नई दिशा उसको मिलती है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले समाज के सबसे पहले पहलू पर, जिसका कि नाम है हमारी राजनीतिक व्यवस्था। तो उस समय की हम राजनीतिक व्यवस्था को अगर देखें तो राजनीतिक दृष्टि से ये काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उसके उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का जो विस्तार किया था, उसको शाहजहां ने दक्षिण भारत के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और उत्तर पश्चिम में सिंध के जो लहरी बंदरगाह तक, फिर असम में सिलहट और अफगानिस्तान में विस्त के किले से लेकर के आप देख सकते हैं कि दक्षिण के औसा तक इसका पूरा एक छत्र राज्य हो गया था। राजपूतों ने भी इसकी इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और अब पूरे देश में शांति और सुख समृद्धि से भरा हुआ था। ताजमहल और मयूर सिंहासन का निर्माण हो चुका था। फिर बाद में जब शाहजहाँ बीमार हो जाता है या उसकी रुग्णता होती है और उसकी मृत्यु की अफवाह फैलने लगती है, तो उसके कारण 1658 ईस्वी में सत्ता के लिए तब वहाँ पर संघर्ष शुरू हो जाता है। 1658 ईस्वी से उसका जो सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, वो अपनी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता के लिए जितना लोकप्रिय था, उतना ही ज़्यादा उसका जो छोटा भाई था औरंगजेब, वो अपनी धार्मिक असहिष्णुता और अहमन्यता के कारण उतना ही ज़्यादा समाज में अप्रिय था। तो दारा की हत्या करके औरंगजेब जैसे ही ये हिस्ट्री, चूँकि मैं राजनीतिक व्यवस्था बता रही हूँ तो ये सारी चीज़ें आपने हिस्ट्री में पढ़ी होंगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ ऊपर से मैं आपको याद दिलाते चल रही हूँ कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी। संवत जो था हमारा, वो 1700 से 1900 विक्रम संवत की बात के बीच की बात मैं कर रही हूँ उस समय पर। तो ये 1658 में जब ये शासन के लिए या के लिए जब सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा, दारा शिकोह जो है वो मारा गया, औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी और शासनारूढ़ हो गया। जैसे ही वो शासनारूढ़ हुआ, वैसे ही जागीरदारों, राजाओं और हिंदुओं में बहुत ज़्यादा धार्मिक उपद्रव शुरू हो गए, और इसका परिणाम ये होता है कि उसके शासनकाल का जो अधिकांश इन उपद्रवों को के दमन में या इन उपद्रवों को ख़त्म करने में औरंगजेब का ज़्यादातर समय, उसका जो शासनकाल का ज़्यादातर जो टाइम था वो इसी में ख़त्म हुआ, और वो शासन को सशक्त और इतने विस्तृत साम्राज्य को वो जो है एक संगठित नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अंदर अहंकार बहुत था, वो बहुत अहमवादी था, उसके हुक्म का उल्लंघन अपराध होता था, और इसलिए उसके जो उसके पुत्रों में किसी के अंदर
प्रतिभा और व्यक्तित्व का ऐसा विकास नहीं हो सका जो कि हिंदुओं को विश्वासपात्र बनाकर साम्राज्य को एक सूत्र में बांधता। ठीक है, फिर औरंगजेब के बाद हम बात करेगा तो 1707 में उसके पुत्रों में संघर्ष होता है। उसका जो दूसरा पुत्र था मुअज्जम या शाह आलम प्रथम, वो शासक बनता है। फिर वो उदार प्रकृति का था लेकिन उसकी जो आयु बहुत कम थी। उसके बाद से फिर 1712 ईस्वी में इस साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। राजगद्दी पर कुछ समय के लिए लोग आते रहे, उसके बाद से ये एक लंबी परंपरा है, इसको आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अधिक अच्छे से समझने के लिए। तो काफ़ी थोड़े थोड़े टाइम के लिए शासन बदलता रहा। जो कुछ दीर्घकाल के लिए आए या जो लंबी अवधि के लिए जिन्होंने शासन किया, वो इतने ज़्यादा विलासी थे कि राज्य की देखभाल ठीक से नहीं कर पाए। इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य में अशांति और अव्यवस्था बढ़ गई। ठीक है, तो ये जो अशांति और अव्यवस्था थी, ये इसकी राजनीतिक अवस्था का एक जो अंतिम पड़ाव की ओर जो लेकर के जा रही थी ये इसको, ये उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है। फिर केंद्र पर शासन की मुख्य केंद्र की सत्ता इतनी ज़्यादा, केंद्र की पकड़ ढीली हो गई कि जागीरदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था इसी समय पर, अगर आप याद करें तो। फिर साम्राज्य जो है वो दिल्ली और आगरा तक ही सीमित रह गया इनका। इसी बीच 1738 अगर आप ध्यान में आता हो आपके, तो उसमें नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। उसमें उसने एक शासन की नींव, मतलब इस पूरे शासन की नींव को हिला डाला था, और जो कुछ बचा कुचा रह गया था उसको 1761 में अहमदशाह अब्दाली ने पूरा कर दिया। इधर अंग्रेज़ों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और 1803 ईस्वी तक पूरे उत्तरी भारत पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। और इस तरीके से वैभव और विलासपूर्ण, और आप कह सकते हैं जो मुगल साम्राज्य था, उसका अंत हो जाता है। तो ये थी हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें तीन मुख्य बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। कि पहला कि ये मुगलों के शासन के वैभव और उनके उत्तरोत्तर पतन और ह्रास का युग था, जितना भी हमारा रीतिकाल में आता है उसमें। दूसरा, राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए अशांति और अव्यवस्था का माहौल चारों तरफ था। तीसरी बात थी कि धार्मिक उपद्रव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है हमारी सामाजिक और सामाजिक अवस्था का, कि हम उसमें के समाज कैसा था। तो सामाजिक दृष्टि से ये काल जो है ये शुरू से लेकर अंत तक एक बहुत ज़्यादा पतन का युग था। ये आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अभी राजनीतिक चर्चा हमने की। तो इस काल में सामंतशाही के जितने दोष हो सकते थे उन सब का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव लोक जीवन पर पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु जो होता था वो होता था हमारा बादशाह। ठीक है, उसके अधीन मनसबदार या जो अमीर उमराव थे, और उनका कर्तव्य अपने मालिक को प्रसन्न करना था। तो नीचे वालों को वो अपने, उनके नीचे जो थे वो अपनी जो जितने ऊंचे पद पे होता था वो अपने से नीचे वालों को क्या करता था, अपनी संपत्ति समझता था, और उनका अस्तित्व केवल अपने लिए मानता था कि इनका जो अस्तित्व है वो सिर्फ मेरी सेवा करने के लिए है। कृषक, श्रमजीवी और निम्न वर्ग जो थे वो सभी ओर से इन सबसे शोषित थे, इन सबका शोषण हो रहा था। श्रमजीवी वर्ग को किसी न किसी की बेगारी करनी पड़ती थी, और उससे उसके बदले उनको मिलता क्या था, तो उनको कोड़ों की मार मिलती थी, सजा मिलती थी, उनका शोषण होता था। तो आशय ये है कि इस युग में गरीबों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा शोचनीय हो गई थी, और शासक और संपन्न वर्ग जो था वो बिना किसी मेहनत के ही वो और अधिक संपन्न होता जा रहा था। ठीक है, इसके बाद से अगर जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति, जो कि उनका एक सामान्य अधिकार है, ठीक है, चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति, रक्षा, इन सब का कोई प्रबंध नहीं था। कार्य अगर कोई आपको कराना है तो उसके लिए घूस, या जिसको कि हिंदी में एक शब्द बहुत शुद्ध हिंदी में उत्कोच शब्द का प्रयोग होता है इसमें, या सुविधा शुल्क जिसको हम कहते हैं, उसको लेना देना ये बहुत साधारण सी बात हो गई थी। इसके बाद से फिर जो विलास के उपकरणों की खोज और उनका संग्रह, सुरा और सुंदरी की आराधना जो थी वो अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग का मुख्य उद्देश्य हो गया था।
मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों में उसका बोलबाला जो था वो उनके अनुकरण करने से ही आया। जो उसके जो मध्यम या निम्न वर्ग के जो लोग थे वो उच्च वर्ग के लोगों को का देखा देखी या उनका अनुकरण करने में, या उनकी तरह जैसे एक होता है ना कि एक फैशन चलता है वो बहुत टॉप से चलता है और फिर धीरे धीरे गांव तक आते आते उस फैशन का लेवल इतना ज़्यादा गिर गया होता है कि अब वो चीज़ उसमें नहीं रह जाती, लेकिन सब उसका अंधानुकरण करने लगते हैं। तो वही चीज़ थी कि जो एक ट्रेंड चल रहा था उस वक्त समाज में उसके अनुकरण में इन चीज़ों का बोलबाला, सुरा और सुंदरी का बोलबाला जो है ये बढ़ता चला जा रहा था। इसके बाद से किसी कन्या का अपहरण जो अभिजात वर्ग के लोगों के लिए सामान्य बात हो गई थी, इसी वजह से विवाह प्रथा बाल विवाह जो थी ये प्रथा प्रचलित हुई। इधर आप अगर उच्च वर्ग को देखें या शासकों के जो वर्ग था, तबका था, उसको देखें तो इधर बेगमों और रक्षिताओं के होते हुए भी लोग वेश्याओं के साथ रंगरेलियां मनाते थे, उनके इशारों पर लोगों का भाग्य का निर्माण भी हो जाता था। शिक्षक काम और कला की शिक्षा देकर अपने कर्म को ख़त्म समझ लेता था, वो सोचता था कि सिर्फ काम और कला की शिक्षा देना ही मेरा कार्य है शिक्षकों का। लड़कियों के साथ छेड़छाड़, फिर तीतर बटेरों को पालना, माने पक्षियों को लड़ाना, शहजादों और राजकुमारियों की माने ये शौक हुआ करते थे। फिर चूँकि माताएं भी विलासिता की ओर बहुत ज़्यादा रुख कर चुकी थी तो उनकी देखरेख के अभाव में राजकुमारियां और जो शहजादियां थीं वो अपने सामान्य कर्मचारियों या भृत्यों के साथ प्रेम व्यवहार करने लग जाती थीं, जिसकी वजह से छोटे छोटे मनमुटाव हुआ करते थे और जिसकी वजह से मतलब बिना कारण ही युद्ध हो जाया करते थे। ये सारी चीज़ें थीं हमारी सामाजिक व्यवस्था उस समय की। अब हम आगे की ओर रुख करते हैं। समाज चूँकि बहुत बड़ा है और इसमें बहुत टॉपिक होते हैं तो ये कुछ मुख्य थे, इसको बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। अगले टॉपिक की ओर रुख करते हैं तो ये है सांस्कृतिक व्यवस्था। तो सांस्कृतिक व्यवस्था जो थी उस समय की वो देखें तो सामाजिक अवस्था के की तरह ही इस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था जो थी वो भी बहुत ज़्यादा आप मतलब सोचनी या विचारणीय हो गई थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की जो उदारतावादी नीति और संतों और सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू और इस्लाम संस्कृतियों के जो निकट आने का उपक्रम हुआ था भक्ति काल के दौरान, वो अंग्रेजों की कट्टरता वो औरंगजेब की कट्टरता से क्या हो गया कि वो लगभग समाप्त हो गया। फिर से मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी आ गई, लेकिन विलास वैभव के खुले प्रदर्शन होते रहे और इसके कारण ये हुआ कि धार्मिक आस्थाओं का दृढ़तापूर्वक जो है वो पालन बहुत कठिन हो गया। हाँ, लोग अपनी धार्मिक आस्था को की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता नहीं रह गई। तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था उनके पीठाधीश जो थे वो लोभ में आने लगे और राजाओं और सामंतों को गुरु दीक्षा देने लग गए। ठीक है, इसका परिणाम ये हुआ कि उनका संबंध जो है वो तत्व चिंतन से छूटकर भौतिकता की ओर और विलासिता की ओर ज़्यादा बढ़ने लग गया। फिर मंदिरों में ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी। दूसरी ओर इस्लाम धर्म जो है वो वैभव से सीधे तो प्रभावित नहीं था लेकिन रूढ़िवादिता के कारण जीवन की वास्तविकता से वो भी हट गया था। ठीक है, कुरान, नमाज, रोज़ा, ये सब जो है यथाविधि पालन को ही इसी को धर्म समझा जाने लगा और इसके कारण आध्यात्मिक प्रभाव जो सूफी प्रभाव जो था जिसने कि जो कि एक इस्लाम में जो प्रेम की परंपरा का प्रवाह जो लेकर के आया था वो व्यक्तियों के संस्कारों में जिसने उदारता का की नींव रखी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई और इस तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत थे ये दोनों ही अपने धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से अलग हट गए और इनमें इनके बीच में एक लंबी दूरी फासला आ गया। ठीक है, अब हम अगली जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे साहित्य और कला की, साहित्य और कला पर क्या प्रभाव था। तो साहित्य और कला की दृष्टि से ये युग जो था वो संपन्न युग कहा जा सकता है क्योंकि इस काल के रचनाकार और जिसे मैंने शुरू में बताया ताजमहल आदि का निर्माण हो चुका था तो इस काल में रचनाकार और कलाकार को ये मौलिक स्वतंत्रता नहीं थी। कलाकार साधारण वर्ग के होते थे लेकिन ये क्या होता था कि इनके जो आश्रयदाता मुगल सम्राटों और जो देशी राजों
राजाओं और नवाबों में इतना सम्मान मिलता था कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गणना होने लगती थी। लेकिन इसके बाद भी उनको वो स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपना मौलिक सर्जन कर सकें। मौलिक सर्जन मतलब कि अपनी इच्छा से कोई रचना कर सकें, या फिर कोई काष्ठ शिल्प कर सकें, या मूर्ति बना सकें, या भित्य चित्रकारी कर सकें, इसकी स्वतंत्रता उन्हें नहीं थी। उन्हें वो करना, अपनी कला का प्रदर्शन वैसा ही करना होता था जैसा कि उनका बादशाह या उनका राजा या उनका नवाब या उनका श्रेष्ठ या उनसे ज्येष्ठ पद का पर आसीन व्यक्ति जो उनसे करने को कहता था। ठीक है, उनके आश्रयदाताओं की जो अभिरुचि का ध्यान रखना पड़ता था उन्हें, उनकी प्रशस्ति के लिए, उनके मनोरंजन के लिए काव्य की रचना होती थी। यही कारण है कि प्रतिभावान होते हुए भी उन्हें जो काव्य सर्जना करनी चाहिए थी या सर्जन का जो सबसे अच्छा रूप प्रस्तुत करने की बाध्यता होती थी कि वो, और उसका जो पैमाना होता था वो निर्धारित कौन करता था, वो उनका आश्रयदाता निर्धारित करता था। लेकिन इन सब के होते हुए भी इस काल में साहित्य और कला का अपना एक विशेष महत्व देखने को मिलता है। फारसी जो थी वो राजभाषा होने के कारण इसकी जो अलंकरण शैली का प्रभाव सभी भाषाओं पर पड़ा, और ब्रज भाषा वो जनजीवन के बहुत निकट होते हुए भी वो इसके प्रभाव से बच नहीं पाई फारसी के, और उसमें भी फारसी कहीं ना कहीं मिल गई। जहाँ तक ललित कलाओं की अगर बात करें तो ललित कलाओं का संबंध में अगर आप देखें तो उसमें चित्रकला जो है वो काव्य की ही तरह इस युग में प्रचलित और बहुत समृद्ध हुई। जहांगीर का जो राज्यकाल था उसमें उसकी गुड़ और परिमाण में, हालांकि इस काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन बाद में इसमें इसकी जो समृद्धि थी इसमें उसमें कमी आ गई। और यहाँ तक कि औरंगजेब जैसे आदमी ने भी, जैसे मैंने रुक्ष या जटिल या ये कह लीजिए कि उसके लिए कोई शब्द मुझे नहीं मिल रहा है, रुक्ष व्यक्ति ही उसको कहते हैं जो कि कठोर हो, हाँ कठोर व्यक्ति ने भी अपने अनेक चित्र अंकित करवाए। और इस युग में स्थापत्य कला और संगीत कला का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फिर शाहजहाँ ने जितनी इमारतें बनवाई उन सब में सूक्ष्म सौंदर्य का समावेश की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। ठीक है, यही कारण है कि मूर्तिकला और चित्रकला में आपको सामंजस्यता दिखाई देने लगती है। फिर आगरा का ताज और आपका जो ये दिल्ली का दीवाने खास है, ये सब इसके बहुत एग्जांपल हैं, अच्छे उदाहरण के सबल उदाहरण हैं। फिर मुगल और अवध के नवाबों के अतिरिक्त जयपुर में सवाई जय सिंह के राजमहल हो गए, फिर दीघ में सूरजमल का महल और संग्राम सिंह, सूरजमल, छत्रसाल आदि की जो छतरियों का जो निर्माण हुआ उसके काल में मुख्य रूप से हिंदू राजाओं के स्थापत्य कला का योगदान कहा जा सकता है इसको। संगीत के क्षेत्र में राजस्थान और ग्वालियर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। ग्वालियर में अगर अशुद्ध शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ तो राजस्थान ने इसमें बहुत सारे स्थानीय प्रभावों की बहुत विशिष्टता इसमें उत्पन्न की और इसमें इस दिशा में अपना योगदान वो देते रहे। तो ये चीज़ थी आपकी साहित्य और कला की स्थिति। ठीक, और अगर इसमें किसी तरीके का कोई डाउट रह जाता है, कहीं आपको कहीं कोई चीज़ लगती है कि ये चीज़ तो नहीं मिल रही है या ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है, गलत बात मैंने कोई, तो आप प्लीज़ उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं, बेधड़क लिख सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपको एक ऐसा उत्तर लिखने की बात करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं उस वक्त सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक कलाओं का और ऐतिहासिक पक्ष का, इसके मैं और राजनीतिक पक्ष की बात मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इस समय के साहित्य को समझने में इससे बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। चलिए बात करते हैं आगे हम रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं पर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बहुत सब कोई लिखता है, लेकिन जब आप इसको इतिहास से अपने कनेक्ट करके लिखेंगे तो इससे आपके मौलिकता या आपकी अपनी विचार शक्ति कितनी ज़्यादा जा रही है उस ओर, इस पर आपका एग्जामिनर सोचने के लिए विवश हो जाएगा। चलिए बात करते हैं रीतिकाल की जो सामान्य विशेषताएं हैं उस पर बात कर लेते हैं अब। तो इसकी जो पहली विशेषता है ये है लक्षण ग्रंथों की, रीति लक्षण ग्रंथों की रचनाएं। तो उत्तर मध्यकाल के जो अधिकतर कवियों ने काव्यांगों के सामान्य ज्ञान के लिए लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की थी। केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, चिंतामणि की आप, रामविलास, कुलविलास, सॉरी
राम विलास का विकुल कल्प तरु, फिर मतिराम की आप रसराज, ललित लाम पद्माकर की आती पद्माभरण, महाराज जसवंत सिंह की भाषा भूषण, भूषण की आपकी ये आती है शिवराज भूषण, भिखारी दास की रस रस सारांश, काव्य निर्णय, ये सभी क्या है, ये सभी लक्षण ग्रंथ है। तो इन कवियों ने काव्यांगों के निरूपण में संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को आधार बनाया है, ठीक है, और इन्हीं के आधार पर इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। संस्कृत में कवि और आचार्य दो भिन्न वर्ग के व्यक्ति थे, लेकिन कवि ही आचार्य हुए बाद में। हिंदी में जो है वो क्या, वो प्रायः जो कवि थे वही आचार्य घोषित हुए। वे आचार्य एक ही दोहे के अंदर रस, छंद, अलंकार इन सब का लक्षण देकर कवि कर्म में वो प्रवीण हो जाते थे या निवृत्त हो जाते थे। तो उन्होंने रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरणों से साहित्य को बहुत ज़्यादा समृद्ध किया है, ठीक है। तो इस तरीके से रीति लक्षण ग्रंथों की रचनाएं हुई। मैंने आपको ग्रंथ कौन कौन से थे लक्षण वाले वो सभी मैंने बता दिए। इसकी जो दूसरी विशेषता है इसकी, वो है श्रृंगार और वीर रसों की सौंदर्य संस्कृति। तो इसमें रीति ग्रंथों के अलावा इसमें श्रृंगार तो मुख्य इसकी विशेषता है ही, और इसके साथ साथ इसमें वीर रस के भी काव्य लिखे गए, जैसे आप भूषण की आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो रीतकालीन साहित्य में कविता जो थी वो चूंकि राजाश्रय में पल रही थी, मैंने आपको बताया कि कवियों की जो रचनाएं थी वो आश्रयदाताओं के मनोरंजन और उनके विलासिता के लिए को उद्दीप्त करने के लिए होती थी। तो इसके फलस्वरूप ये होता है कि तत्कालीन काव्य प्रेम और सौंदर्य के जो है वो आप अश्लील या मादक चित्रों को लिए हुए रचा गया है, और काम वासना प्रेरित रति को मुक्ति मानते हुए उसकी एकांत साधना में ही जीवन की सार्थकता समझ ली गई है। और एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि ये पंक्तियाँ की चमक तमक हाँसी ससक मसक झपट लपटानी, ये जी रति सो रति मुकुत और मुकुति सब हानि, ठीक है ना। तो राजाश्रय से दूर रीतियों से मुक्त स्वच्छंद रचना भी हुई, और जिसमें कवियों में प्रेम को उत्कृष्ट रूप दिया, और घनानंद जैसे कवि हुए और जिन्होंने लिखा कि अति सुधो स्नेह को मारग है, जय हुनाक जय हुनैक सयानप बाकि नहीं, तह तह साच चले तजी आपन पूछ जिके कपटी जो निशाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरी आँख दूसरो आँख नहीं, तुम कौन धुपाटी पड़े हो लला, मन लेहू ते देहू छटाक नहीं, है ना। ये घनानंद की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो कि प्रेम और प्रेम के एक सरलपन को परिभाषित करती हैं। घोर विलासिता के काल में भी ये कुछ स्वाभिमानी राजे महाराजे या अत्याचारी जो मुगलों से लोहा ले रहे थे और उनके आश्रयों में जीवित जो कवि थे या उनके आश्रय के जो कवि थे, उन्होंने श्रृंगार की अपेक्षा क्या किया, वीर रस को प्रधानता दी। और इसके लिए आप शिवाजी ने के जो आश्रित कवि थे जैसे कवि भूषण, उनके काव्य में उनके यश प्रताप शौर्य और युद्ध की साज सज्जा, तड़क भड़क वीरोत्साह, इन सब का बहुत खूबसूरत वर्णन देखने को मिलता है। अलंकारों की बहुत खूबसूरत छटा इसमें दिखाई देती है। अगली जो बात है वो है नारी के प्रति संकुचित भावना। आप समझ रहे हैं जब ये काम वासना से प्रेरित और रति को ध्यान में रख करके, रति क्रिया को ध्यान में रख करके जब रचनाएं लिखी जाएंगी, तो इसमें स्वाभाविक है कि नारी के प्रति जो भावना है वो एक कामिनी के रूप में ही तक ही रह जाती है। तो रीतिकाल में नारी जीवन के प्रति राजा महाराजाओं और रचनाओं में बहुत संकुचित भावना इस तरीके से देखने को मिलती है। वहाँ नारी जो है वो पुरुष के रति सुख का साधन मात्र बनकर रह गई है, और कवियों ने उसके मानसल सौंदर्य और काम वासना जन्य जो छवि है उसके सौंदर्य का ही वर्णन करना जो है अपना कवि कर्म का मान लिया, और उसका जो पवित्र मातृ स्वरूप है वो कहीं पर लक्षित नहीं होता, या एक एक जो स्नेहिल प्रेमिका का जो रूप है वो देखने को नहीं मिलता है कहीं भी इस तरीके का, बहुत कम मतलब कि मिलता है। ज़्यादातर जो रचनाएँ लिखी गई वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में लिखी गई, और उस समय के दृष्टिकोण को बताते हुए ये दो पंक्तियाँ बहुत खूबसूरत हैं कि कौन गनेपुर बन नगर कामिनी एक रीति, देखत हरय विवेक को चित्त हरय करि प्रीति। मतलब इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम साफ साफ समझ में आता है
कि इसमें ये बात कही गई है कि जो कामिनी है या जो स्त्री है उसका एक ही रीति है उसकी, कि वो जो वो, कि वो बिल्कुल दिखे तो आप व्यक्ति का विवेक हरण कर ले, और अगर प्रीति करे तो वो व्यक्ति का मन चुरा ले। तो इस तरीके की दृष्टिकोण केवल रह गया था स्त्री के प्रति। अगली जो विशेषता है वो है उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रांकन। तो रीतिकालीन रचनाकार जो थे वो प्रकृति के स्वतंत्र दृश्यों से अपना हृदय का संबंध नहीं जोड़ पाए थे। इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया है इसीलिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि संयोग में सुखदाई और वियोग में दुखदाई प्रकृति का चित्रण किया गया है। फिर षड ऋतु और बारह मासा का वर्णन, जैसे बंधी बधाई रीति जो इसकी चली आ रही थी उसी तरीके से हुआ। प्रकृति की प्रकृति चित्रण में हर जगह जो है नायक नायिकाओं की मानसिक दशा के अनुरूप ही उसका चित्रण किया गया है। इसलिए मैंने लिखा है कि जहाँ पर नायक नायिका संयोग की स्थिति में है वहाँ पर प्रकृति का सुखदाई चित्रण हुआ है, और जहाँ पर वो वियोग में है वहाँ पर प्रकृति का दुखदाई चित्रण किया गया है। ठीक है, और अगला जो इसकी अगली जो विशेषता है वो है नायिका भेद वर्णन। तो रीतिकाल में कवियों ने नायिका नायक और नायिकाओं के बहुत ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म भेद उपभेद किए हैं। मतलब जैसे केशव की रसिक प्रिया और रहीम की बरमे नायिका भेद, चिंतामणि की कवि कल्पतरु, तोष ने लिखी थी सुधा निधि, फिर मतिराम की रसराज, भिखारीदास के श्रृंगार निर्णय, ये सभी काव्य कृतियाँ जो हैं वो नायिका भेद का विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें जैसे स्व किया, पर किया, सामान्य से अवृत रूप, मतलब इसके बहुत सारे नायिकाओं के रूप बताए गए हैं। अगली जो विशेषता है वो नीति और सूक्तियों की प्रधानता भी है। तो इन सब के बाद भी हर युग में कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती हैं, तो इसमें भी जैसे वीरता के कुछ काव्य लिखे गए उसी तरीके से नीतियों और सूक्तियाँ भी लिखी गई। तो संस्कृत का जो परंपरा थी, जो पंचतंत्र, हितोपदेश और सुभाषितों का अनुकरण करके, इसमें कुछ लोगों ने कुछ कवियों ने नीतिपरक दोहे और बहुत सुंदर सूक्तियाँ दी हैं। जैसे कि इसमें जो प्रमुख नाम आते हैं वो दीनदयाल गिरी का आता है, गिरधर कविराय, बैताल, वृंद, घाग, भड्डरी, ये सभी मुख्य रूप से नीतिपरक सूक्तियों की रचना इन लोगों ने की है। और बिहारी की एक सूक्तिपरक दोहा उनका भी है एक बहुत सुंदर, कि तंत्री नाद कवित्त रस रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो ये सभी पंक्तियाँ भी इस तरीके की भी रचनाएं हुई। अगली चीज़ जो है वो है सौंदर्य या रूप वर्णन की प्रधानता। तो इसमें बहुत विलासिता का काल था, ये बार बार चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है, इन चीज़ों को आप ऐसे ही एक एक लाइन में भी लिख सकते हैं। इसको नोट करने का या एक मुख्य उद्देश्य मेरा ये था कि एक कोटेशन है डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेलवाल हुए, उन्होंने लिखा है कि श्रृंगार काल में रूपवती नारी विलास का साधन है, श्रृंगार काल में रूपवती नारी विलास का साधन है, जीवन का विश्राम स्थल है, जहाँ सभी प्रकार का के दौड़ धूप से भ्रांत हो पुरुष नारी की मधुर छाया में बैठकर अपने दुखों और पराभवों को भूल जाता है। ठीक है, और बिहारी ने भी लिखते हैं कि लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गबर गरूर, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कुर। तो ये है इसका वर्णन इस तरीके से किया गया। फिर है लोक संस्कृति का चित्रण। तो इसमें बहुत सारे सुंदर मनमोहक चित्र खींचे गए हैं लोक जीवन के भी, जिसमें कि लोक उत्सवों, होली, वसंत पर्व, फिर अपन घाट, छेड़छाड़, गृहस्थ जीवन, इन सब में एक प्रकार की सहजता और स्वाभाविकता से इन सबको पिरोया है कवियों ने अपने उसमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कवियों ने दुनिया को अपनी आँखों से देखने का कार्य बंद नहीं कर दिया था इस समय में, नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोक चित्र आ सकता था उसका उतना चित्रण निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है, इतना दोष जरूर है कि यह चित्र अपूर्ण और विच्छिन्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। नौवा है इसमें कि अलंकारिकता। तो अलंकारिकता की बात करेंगे तो इसमें काव्य कला के क्षेत्र में बहुत सारे अलंकार प्रधान ग्रंथ भी लिखे गए। तो इसमें अलंकारों के प्रति कवियों में बहुत विशेष मोह दिखाई देता है, और इसीलिए मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल नाम भी दिया था। रसाल जी ने कला काल कहा, यमक का चमत्कार, यमक अलंकारों का प्रयोग। फिर स्वच्छंद कवियों में आपके घनानंद ने बहुत सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया, बिहारी तो मतलब अलंकारों की बाढ़ ही ले आते हैं। तो इस ये हो गया एक अगला।
फिर अगली जो बात है वो कवि का आचार्य बनने की प्रवृत्ति। ये एक ऐसा है टॉपिक, कवि का आचार्य बनने की प्रवृत्ति, इसको मैं अभी छोड़ रही हूँ। जब मैं आगे जब मैं बात कर रही हूँगी तो उसमें मैं बताऊँगी कि कवि और का आचार्य बनने का प्रोसेस क्या था। और ये बस अभी के लिए इतना समझिए कि जो कवि थे वो कवि कहलाने के बजाय आचार्य कहलाना ज़्यादा प्रेफर करते थे, या ज़्यादा उसको तवज्जो देते थे वो, ठीक है। और ये प्रवृत्ति कवियों में निरंतर कवि कर्म करते हुए बनी रहती थी कि वो कवि कहलाते कहलाते कभी आचार्य कहलाने लग जाएं, ठीक है। तो अभी के लिए ये इसको मैं इस टॉपिक को मैं यहीं पर बंद कर रही हूँ और इसके आगे की बात करते हैं कि कवि और आचार्य बनने की प्रवृत्ति जो है इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कवि और आचार्यत्व की क्या लक्षण थे या क्या गुण थे जिनसे कि कवियों के आचार्य बनने का प्रोसेस बनता था। फिलहाल आज के लिए बस यही इतना ही। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं मेरे लिए तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए किसी एक ग्रुप में ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे फ़ायदा उठा सकें, वो लोग ख़ास तौर पर जो कि कहीं दूर दराज गाँव में हैं और जिनको आसानी से किताबें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, आसानी से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो उन सब के लिए अपने किसी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से कहिए कि वो उसको आगे भी शेयर करें। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।